अगर समर, पाखी और तोशु भाई आएंगे तो ही मैं आऊंगी, पर ना नहीं। किसने कहा कि वो लोग नहीं आएंगे? उन्होंने खुद कहा। तो क्या कल मेरी शादी में कोई नहीं आएगा? मैं हूं ना। मैं आऊंगी ना तुम्हारी शादी में, अपनी होने वाली समधन की खुशियों में मैं शामिल नहीं होंगी तो कौन होगा? शगुन का कड़ा है मेरी बेटी की होने वाली सास के लिए। तुम्हें किसने बुलाया? खुशियां मुसीबत और राखी दवे किसी इनविटेशन का वेट नहीं करती, कोई बुलाए या ना बुलाए आ ही जाते हैं। और मेरी टाइमिंग तो हमेशा परफेक्ट होती है। काव्या तेरे लिए मेहंदी, नागिन तू। तू यहाँ भी पहुंच गई। क्या करती बा, आप लोगों को इतना मिस कर रही थी इसलिए मिलने चली है। हमें मिस कर रही थी या हमारे ड्रामे को? दोनों को। आपके बिना अहमदाबाद में मजा नहीं आ रहा था बा, इसलिए मजे लेने यहाँ पहुंच गई। प्रमोद जी कैसे? ठीक है, डॉक्टर ने कहा है कि अब खतरे से बाहर है। तो किंजू बेबी को क्यों नहीं लाई? एक तो अपने पापा को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कराए बिना अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी, दूसरा हॉस्पिटल की भागदौड़ अकेले अकेले करते करते बहुत बीमार हो गई थी, तो वीकनेस भी थी, इसलिए मैंने कहा कि दो चार दिन आराम करें फिर आ जाए। तो फिर तुम यहाँ क्यों आई हो? अपनी एक समधन का हाल चाल पूछने और होने वाली समधन का हाल देखने, शादी अटेंड करने। वैसे भी जहाँ बारूद बिछा हो वहां चिंगारी लगाने के लिए कोई ना कोई तो होना चाहिए ना। बंदर कहीं के जामुन में। सॉरी 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 सॉरी, मुझे लगा समर है। वो आप खाएंगे जामुन? नहीं, मैं तो बस बैठने के लिए। परेशान है शादी को लेकर? अगर इस बारे में मुझसे बात करने आए हैं तो मत कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके और काव्य के बीच में नहीं पड़ना चाहती। काश तुमने अपना फैसला बदला होता। अगर तुमने अपना फैसला बदला होता तो शायद मुझे अपना फैसला बदलने में आसानी हो जाती। तुमने अपना फैसला नहीं बदला, पर मैं अपना फैसला बदलना चाहता। कभी कभी मैं सोचता हूं तो मुझे याद भी नहीं आता कि ये फैसला मैंने कब लिया था, और ये फैसला लिया भी था या ये सिर्फ काव्या का फैसला था। खैर जो भी, अब मैं अपना फैसला बदलना चाहता हूं। अब मैं काव्या से शादी नहीं करना चाहता। नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि काव्या अनुपमा नहीं बन सकती। मेरा मतलब है काव्या बाप बापू जी को, बच्चों को, घर को नहीं संभाल सकती, किसी का ख्याल नहीं रख सकती। जरा जरा सी बात पे हाइपर हो जाती है। हमारे बीच में बहुत झगड़े होते हैं अनुपमा। काव्या और मेरे बीच में प्यार बहुत है, लेकिन हमारे बीच में कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। हम एक दूसरे को समझ नहीं सकते। मुझसे आपको ये तकलीफ थी कि हम दोनों एक दूसरे को समझ तो पाते हैं, पर हमारे बीच में प्रेम नहीं है। 16 साल के बाद अचानक से एक दिन आपको लगा कि मैं आपके लायक नहीं हूं, इसलिए आपने काव्या से प्यार कर लिया। और अब 9 साल के बाद आपको अचानक से लग रहा है कि काव्या भी आपके लायक नहीं है।
जो लोग कहते हैं कि औरत को समझना मुश्किल है, उन लोग को एक बार आपको आके मिलना चाहिए। आपको समझने के लिए तो भगवान जी को भी 4-5 देवताओं की कमेटी बिठानी पड़ेगी। हाथ जोड़ती हूँ मैं आपके, आपको जो करना है कीजिए, बस मुझे इसमें मत घसीटिए। और जो बातें आप मुझसे करने आए हैं ना, मुझे आके काव्या से कीजिए। काव्या नहीं समझेगी अनुपमा, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूं। आई नीड योर हेल्प। इतनी बुरी तरह मैं पहले कभी नहीं फंसा हूं, और पता नहीं क्यों हमेशा मैं ही फंसता हूं। आपको याद है जब बचपन में बच्चे बरसात में बाहर खेलने जाते थे तो सिर्फ तोसू के ही कपड़े गंदे होते थे? आपको याद है तो बताइए क्यों। क्योंकि तोसू कीचड़ में खेलता था। हाँ, और फिर वो घर आके रोता था कि मेरे ही कपड़े गंदे क्यों होते हैं। वैसे ही आपका हाल है, हर बार आप ही फंसते हैं क्योंकि आप फंसने वाले काम करते हैं। एक गलती तो कर चुके, अब दूसरी गलती मत कीजिए। चाहिए जाके काव्या से बात कीजिए। उप्सी डेजी। सॉरी, मैंने कुछ सुन लिया। राखी बहन, आप किंजल भी आई है क्या? ना ना, वो नहीं आई है, बट शील बी योर सून। मुझे आपकी इलनेस के बारे में पता चला तो प्रमोद के ठीक होते मैं डायरेक्टली यहाँ आ गई। हाउ आर यू फीलिंग नाउ? मैं ठीक हूँ, थैंक गॉड। प्रमोद भाई कैसे हैं? He's getting better. So, Samdhi ji, अभी मैं अपनी होने वाली समधन और आपकी होने वाली वाइफ से मिलकर आ रही हूँ। She's so excited for the शादी। पर आप कुछ खास खुश नजर नहीं आ रहे। क्यों? डिवोर्स से तो आप भाग चुके हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि शादी से पहले भी भागने का इरादा है आपका? I'm sorry, but आपकी और काव्या की कल शादी हो या ना हो, पर एक बात पक्की है, एंटरटेनमेंट बहुत होने वाला है। शादी होगी नहीं होगी वो तो कल पता चलेगा, लेकिन आज को एंजॉय करते हैं ना। Let's have some fun tonight, Mr. Shah. आप पास नहीं आएंगे? Never. By the way, congratulations. आपके डिवोर्स के लिए अब आप मेरी समधन नहीं है, इसलिए आपको परेशान नहीं करूंगी, क्योंकि परेशान करने के लिए मुझे काव्या जो मिल गई है। आपका तो पता नहीं, लेकिन कल इस शादी में मुझे बहुत मजा आने वाला है। आई एम सुपर एक्साइटेड। राखी बहन, आप यहाँ आई हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, पर यहाँ की खुशियों को खुशियाँ ही रहने दीजिएगा। पहले से यहाँ पर बहुत कुछ हो चुका है, अब और तमाशा मत कीजिएगा। तमाशा करने की मुझे क्या जरूरत है, यहाँ तो ऑलरेडी तमाशा हो रहा है। मैं तो बस मजे लेने आई हूँ और मैं मजे लेकर रहूंगी। आप कुछ कहना चाहती हैं? अभी नहीं, पर जरूरत पड़े तो जरूर कहूंगी। मिलते हैं। अनुपमा, मैं दिल से चाहती थी कि तुम्हारा डिवोर्स ना हो और काव्या मेरी बेटी की सास ना बने, पर ऐसा नहीं हुआ। काव्या पहले तुम्हारी सौतन थी, पर अब वो मेरी समधन बनने वाली, इसलिए अब मुझे उसकी तरफ होना पड़ेगा। Attention, ladies and gentlemen, this is your captain. Ah, you're here? Hi. Jaldi aayi. Hello, new guest with the awesome hair. Guruji, ye meri bahu Kinjal ki maa hai, Rakhi Dave ji. Let me guess. You must be Dr. Advait, right? Well, your guess is as good as mine. You're absolutely right.
Nice to meet you. Likewise. डॉक्टर अद्वैत जितने अच्छे डॉक्टर है ना उससे कई ज्यादा अच्छे दोस्त भी हैं, स्पेशली अनुपमा के। बहुत ख्याल रखते हैं वो सबका, और अनुपमा का तो कुछ एक्स्ट्रा ही ख्याल रखते हैं। अरे आफ्टर ऑल उनके पेशेंट जो है, अगर मेरी बातें खत्म हो गई हो तो फिर चल के मंडप देखें चलें। मंडप रेडी है? शादी तो कल है ना, तो आज मंडप रेडी क्यों है? डोंट टेल मी समधी जी कि अब शादी के लिए इतना ज्यादा इंपेशेंट है कि आज ही कर रहे हैं शादी। हाँ वो पंडित जी ने कहा है कि शादी की एक रात पहले मंडप में दिया जला के रखना होता है, इसीलिए मैंने आदि से कहा कि वो मंडप आज ही रेडी कर दे। थैंक्स आदि इतने शॉर्ट नोटिस पे सारी तैयारियां करने के लिए। Can I see it? Of course. Okay. We आओ ना, आओ ना, आओ ना please. Let's go and see it. जाइए, जाइए. All of us, let's go. So what do you think? कैसा लगा? It's so 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 beautiful. Oh my God. I love it. Well, thank you. अगर तुम्हें कोई changes करवाने हैं तो मुझे बता देना, मैं कल सुबह करवा दूँगा. Thanks, Adi. You're the best. Tell me something I don't know. I'll see you all. See you. Bye. V, isn't this perfect? Oh my God, it's perfect. बाकी क्लिक पिक्चर्स ना। तोशु समर तुम लोग बताओ ना कैसा लगा डेकोरेशन? मंडप सुंदर है ना? अरे बोलो ना। नंदिनी नंदिनी टेल मी ना इज़न्ट दिस ब्यूटीफुल? डॉली डॉली तुम प्लीज चौक पूर दोगी? पंडित जी ने कहा कि ये बहन का नेक होता है। बाप बाप मंडप में दिया जला देंगी प्लीज? प्लीज प्लीज कम ऑन, आओ ना। अगर मेरे लिए नहीं सही तो कम से कम अपने भाई के लिए, अपने बेटे के लिए। मौन बा, बहू नई है लेकिन बेटा तो वही है ना। यही रसम आप दो बार ऑलरेडी कर चुकी हैं, तो तीसरी बार भी सही? तू अपना मुंह बंद कर। मुझ पे क्यों नाराज हो रही है? मैंने क्या गलत कह दिया? गलत इंसान के मुंह से निकली सही बात भी ना गलत ही लगती है। अरे गिरगिट भी इतना जल्दी रंग नहीं बदलता जितना तू बदल रही है। बा नंदिनी मैं अभी आता। वी
खाने की कटोरी कम थी जो वह नागिन भी डसने आ गई। मंडप में दिया जला दो, आग न लगा दूं। मम्मी प्लीज, उस काव्या को झेलना हमारी मजबूरी है। अरे झेले मेरी जूती, मैं कह देती हूँ मैं ये शादी में नहीं आऊंगी। पर भाई को बुरा लगेगा, उसका क्या? बा ने तो दिया नहीं लगाया, पर मैं आग जरूर लगाऊंगी। अच्छा किया तुमने समधी जी को ज्यादा सोचने का वक्त नहीं दिया और डिवोर्स होते ही शादी कर रही हो। अगर रुक जाती तो पता नहीं क्या हो जाता। तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? नहीं कुछ नहीं, एक्चुअली मैं अनुपमा से मिलने गई थी और वहां समधी जी भी थे। उनकी बातों से मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो कंफ्यूज्ड हैं। Confused about what? I'm not sure. पता नहीं मैंने ठीक से सुना या नहीं, but मुझे ऐसा लग रहा था कि समधी जी अभी भी इस शादी को लेकर थोड़ा confused हैं। मुझे यहाँ साथ में लाना जरूरी था। वी मेरा डिवोर्स हो गया है और कल हमारी शादी होने वाली है। मैं अभी आता हूं। वी ऑनेस्टली स्पीकिंग, उनका कंफ्यूज्ड होना भी जायज है। आफ्टर ऑल अनुपमा और उनका 25 साल का रिश्ता है। डिवोर्स पेपर पे स्टैंप लगने से अंदर की फीलिंग्स थोड़ी खत्म हो जाती है। तुम समधी जी के साथ नए रिश्ते में बनने जा रही हो, पर मुझे तो लगता है काव्या कि वो अब भी अपने पुराने बंधन में उलझे हुए हैं। पुराना बंधन भले ही ना टूटा हो, मगर नया बंधन तो बंध के रहेगा। वी चाहे कितना भी कंफ्यूज हो, आई डोंट केयर, मगर ये शादी तो कल होके ही रहेगी। और सिर्फ शादी ही नहीं, कल कुछ पुराने हिसाब भी बराबर होंगे। क्या ढूंढ रहे हैं? बांग ढूंढ रहा हूं बेटा, सर में बहुत दर्द है मेरे। पापा सामने रखा हुआ है। सॉरी, बहुत कंफ्यूज हूं मैं। आई एम ऑल्सो सॉरी पापा, मैं आपकी इस कंफ्यूजन को दूर करने में हेल्प नहीं कर पाऊंगा। शादी करनी है या नहीं ये आपको खुद डिसाइड करना होगा। पापा को याद है मैंने हाई स्कूल में साइंस ले ली थी। कुछ ही दिन में मुझे रियलाइज हो गया था कि ये डिसीजन गलत है, लेकिन उस गलत डिसीजन को सही करने के लिए मुझे एक साल वेट करना पड़ा था पापा, और वो एक साल काटना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। अगर आपका डिसीजन गलत निकला ना पापा, तो आपके लिए आपकी लाइफ काटनी बहुत मुश्किल हो जाएगी। आपके पास सिर्फ आज की रात है। एक गलत डिसीजन का बोझ बहुत भारी होता है, सोच लीजिए।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।